नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। और वक्त हो चुका है आपको देश विदेश की खबरों से रूबरू कराने का। भारतवर्ष में लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाई ईद। मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने देशवासियों को ईद की दी बधाई, साथ ही कहा हमारा देश किसी एक धर्म, जाति और किसी एक समाज का नहीं है। हमारा भारत देश सबका है और हमारे देश में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा बना रहे। भारत ने OIC के जम्मू और कश्मीर के लोगों के वैध अधिकारों के प्रति समर्थन वाले बयान पर असहमति जाहिर की है। भारत की तरफ से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर OIC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। बता दें कि शुक्रवार को मक्का में OIC की 14वीं बैठक आयोजित हुई और मुस्लिम देशों के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। मायावती ने यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में अपने घर पर BSP नेताओं की हुई बैठक में उन्होंने तैयारी शुरू करने को कहा। पिछले 10 सालों में BSP ने कोई उपचुनाव नहीं लड़ा। बता दें कि 24 सालों बाद BSP और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। मायावती ने बैठक में कहा कि समाजवादी पार्टी से समझौता करने का कोई खास फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर यादव वोट गठबंधन को नहीं मिले, अगर वोट मिले होते तो जीत होती, हार नहीं होती। BSP अध्यक्ष मायावती से राह जुदा होने के बाद अखिलेश यादव को अब बुआ सब से चिढ़ होने लगी है। एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने बुआ सब का इस्तेमाल किया तो अखिलेश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पत्रकार होने के नाते आप लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और BJP के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान हिंसा और आपके जय श्री राम का नारा लगाने पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और फेसबुक पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है। तमाम नेताओं की TP में अब जय हिंद जय बांग्ला नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कई राज्यों में कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर फूट रहे। अभी तक कई विधायकों और नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। राजस्थान में जहां CM अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा है, तो मध्य प्रदेश में गुना सीट से हारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनका निशाना जाहिर तौर पर CM कमलनाथ की ओर था, जो अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से जिताने में लगे रहे। जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और परिसीमन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को भी अमित शाह ने गृह सचिव राजीव गौबा, एडिशनल सचिव ज्ञानेश कुमार समेत कई अफसरों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन और इसके लिए आयोग गठन पर विचार किया गया। रिपोर्ट के बाद कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। इस मामले में अमित शाह राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बात कर चुके हैं। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को अरब की खाड़ी में तैनात किया है। इस तैनाती को ईरान के साथ अमेरिका के बिगड़े संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के कुछ महीनों में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। USS अब्राहम लिंकन पर तैनात अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी से कहा कि उनके सामने कोई भी चुनौती आएगी तो वह इसका करारा जवाब देंगे। अमेरिका की नौसेना ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया है। केंद्र में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार देश का बजट तैयार करने में जुट गई है। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने बजट में मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार इस बार फिर आयकर में कोई छूट देगी या नहीं। हालांकि इसे लेकर अभी तक सरकार या वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पार्टी को महाराष्ट्र से एक और झटका लगा है, जहां पार्टी विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपने पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वह महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले BJP में शामिल हो सकते हैं। पाटिल राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं।
देश विदेश की खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।